आप दिल्ली से लंदन अगर बाय रोड जा रहे हो तो आप कौन सा रूट लेना चाहते हो, जो डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि बेसिकली आपको कौन कौन सी कंट्रीज कवर करनी है। तो अगर हम लोग ये रूट चूज करते हैं तो दिल्ली से हम लोग सीधा पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाएंगे, इंडो पाक बॉर्डर बेसिकली, जो कि आपका वाघा बॉर्डर, और आफ्टर एंटरिंग पाकिस्तान हम लोग पूरा पाकिस्तान क्रॉस करते हुए पाकिस्तान एग्जिट करेंगे और एंटर करेंगे ईरान में, और ईरान के बाद हम लोग जाएंगे टर्की, टर्की से हम इस्तांबुल होते हुए एग्जिट कर जाएंगे और एंटर करेंगे यूरोकार्न या फिर कार्नेट। क्या होता है बेसिकली, कार्नेट आपका होता है गाड़ी का वीजा या पासपोर्ट। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल, एक बार फिर से आपको स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे इज 14th of April और मैं हूँ अभी दिल्ली में। तो फाइनली भाई आज शुरुआत करते हैं नमस्ते लंदन की। नमस्ते लंदन जिनको नहीं पता, मतलब कुछ लोगों को पता हो नमस्ते लंदन मूवी है, बट जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूँ, नमस्ते लंदन एक ड्रीम प्रोजेक्ट या फिर ड्रीम ट्रिप है मेरी और अनमोल की बेसिकली। तो हम दोनों जा रहे हैं दिल्ली टू लंदन बाय रोड, जिसकी प्लानिंग ऑलमोस्ट एक ईयर से चल रही है। और जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं, मतलब अभी कुछ दिन पहले से भी अगर फॉलो करो तो उनको पता होगा कि फ्लैग ऑफ इवेंट हमारा हो चुका है, बट अभी फ्लैग ऑफ ऑफिशियल सेरेमनी जो होने वाली है वो होगी अराउंड 23rd या 24th को, जब हम लोग फाइनली गुड बाय बोलेंगे सबको, निकल जाएंगे अपनी रोड ट्रिप पर जो कि होने वाली है दिल्ली से लंदन तक, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 23+ कंट्रीज कवर करके पहुंचेंगे लंदन, जिसके लिए हमें अराउंड 20,000+ किलोमीटर गाड़ी चलानी है, जिसके लिए हमें अराउंड लगने वाले 105 से ज्यादा दिन। तो ये पूरी सीरीज मैंने सोचा है कि लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग से हटके बनाई जाए, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाए जाए, इसीलिए मैंने सोचा था कि भाई जाने से पहले मैं वीडियोस बना के जाऊंगा कम से कम 7-8, जिसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा, चाहे वो शिपिंग से रिलेटेड हो, कार्नेट से रिलेटेड हो, से रिलेटेड हो, या फिर करेंसी कार्ड, या फिर जो भी चीजें इस ट्रिप के लिए लगने वाली हैं। तो ऑलमोस्ट हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होता है कि भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड करना है, बट आधे से ज्यादा लोगों को इस टाइम पे पता ही नहीं है कि आप दिल्ली टू लंदन बाय रोड कर सकते हो, और अगर पता भी होता है तो ये नहीं पता होता किस सीक्वेंस में सारी चीजें करनी है, सो दैट हम दिल्ली टू लंदन इजिली प्लान कर सकें। यूट्यूब पे स्पेसिफिक हर टॉपिक के बारे में वीडियो ना होने की वजह से हम लोगों को बहुत टाइम लग गया अपनी रिसर्च में, और जिसकी वजह से बहुत स्लो प्रोसेस हो गया था ये। तो मैं ये सोच रहा हूं जब यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो है नहीं तो क्यों ना आप लोगों को स्पेसिफिक हर एक टॉपिक को लेकर वीडियो बना के आप लोगों को थोड़ा बताया जाए कि अगर आप प्लान करना चाहते हो, या अगर आप प्लान नहीं भी करना चाहते हो, आप नॉर्मल फ्लाई करके किसी कंट्री में विजिट करना चाहते हो तो वहां जाने के लिए वीजा से रिलेटेड, या फिर गाड़ी शिप करना चाहते हो अगर आप गाड़ी से जाना चाहते हो उससे रिलेटेड, या कार्नेट से रिलेटेड, कार्नेट बेसिकली आपका पासपोर्ट या वीजा होता है आपके गाड़ी का, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूं, तो उससे रिलेटेड भी मैं एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत में मैं बता देता हूं बहुत सारे पॉइंट्स जो मैंने प्रिपेयर किए हैं ये वीडियो को बनाने के लिए, तो फिर मैं सोच रहा हूं सारी चीजें मिक्सअप करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे और कभी आगे फिर ध्यान भी नहीं रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेसिकली जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो मैंने ये मेंशन कर दिए होंगे आपको, फ्लैश हो रहे होंगे स्क्रीन पे। तो जिसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है भाई मेकअप योर माइंड, तो मेकअप योर माइंड से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस ट्रिप पर जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक बात बिठानी पड़ेगी कि आप दिल्ली से लंदन की रोड ट्रिप करने वाले हो, जो कि ईजी नहीं होती है। बोलने के लिए बहुत लोग बोलते कि करना है, या फिर हमारी बकेट लिस्ट में है, हमारा ड्रीम है ये, बट मैं सच बताऊँ पिछले एक साल से हम लोगों की प्रिपरेशन चल रही है, उस टाइम पर मुझे किसी ने बोला था कि दिमाग में ठान लो और दिमाग में सोच लोग ही जाने, क्योंकि अगर एक बार आप इसके अंदर घुस गए तो आप बैक ऑफ नहीं कर सकते हो। बैक ऑफ कर सकते हो ऑब्वियसली, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई रूल है कि आपको वापस बैक ऑफ नहीं करना है, बट अगर बैक ऑफ आप करना चाहते हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा, सबसे पहला पैसा वेस्ट होगा, क्योंकि इस ट्रिप में अगर आपकी टोटल प्रिपरेशन जो मैं बताऊँ अराउंड 7-8 महीने की लगती है, जिसमें सिर्फ 3-4 महीना आपका सारी प्लानिंग कैसे आप मैनेज करोगे, 3 महीना अगर आप जॉब करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो तो वो 3 महीने आपके लिए बेस्ट कब होंगे, प्लस में वेदर कंडीशन कब किस कंट्री में कैसी होती है, तो सारी R&D करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई हाँ हम इस मंथ में निकल सकते हैं, इतने महीने की हमने वेकेशन ले ली है, इतनी कंट्रीज हमें कवर करनी है, फाइनेंसिस जो भी हमारे हैं उनको हम इस तरीके से मैनेज करेंगे कि वो 3 महीने आप लोग अर्न नहीं करोगे अगर आप यूट्यूबर नहीं हो बेसिकली। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करोगे, अगर आप बिजनेसमैन हो तो अपना बिजनेस कैसे मैनेज करोगे, अगर आप जॉब करते हो या किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो तो फिर वहां से लीव कैसे मिलेगी 3 महीने की। तो ये सारी चीजें मिला के जो आपको टोटल टाइम चाहिए वो अराउंड बनता है 7-8 महीने, बट हम लोगों को एक साल लग गया, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई हम मार्गदर्शक नहीं मिला जो हमें बता सके कि भाई ऐसे ऐसे करो, ये करो, तो हमने खुद ही सारी चीजें R&D करके टोटल प्लानिंग करके अब फाइनली हम लोग अप्रैल एंड में निकल रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मेंशन करना भूल गया, मेकअप योर माइंड में ही लाऊंगा मैं उस चीज को, अलग से मैंने कोई पॉइंट उसके लिए मेंशन नहीं किया, वो ये है कि भाई आप लोगों को अपना पार्टनर चूज करना पड़ेगा कि आप किसके साथ जाने वाले हो। आप सोलो ये ट्रिप नहीं कर सकते हो, बाय रोड आप नहीं कर सकते, आप फ्लाइट से जाना चाहो तो आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, बट बाय रोड आई डोंट थिंक आपको करना भी चाहिए, ये सजेस्ट भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा ज्यादा ही रिस्की है ये ट्रिप, क्योंकि गाड़ी कहीं पर खराब हुई आप कहीं जंगलों में से निकलना पड़ेगा, कहीं गांव में से निकलना पड़ेगा, और एक गाड़ी में आप अगर अकेले, अगर गाड़ी खराब भी होती है तो आपको अकेले सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा ट्रिप स्टार्ट करने से पहले, या फिर आप सारी प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हो उसके पहले ही एक कोई पार्टनर ढूंढो, एक या दो या तीन,
टोटल चार लोग मेरे हिसाब से बेस्ट होते हैं ट्रिप के लिए। अगर चार लोग आप एक गाड़ी में जा रहे हो तो उसमें आपके एक्सपेंसेस भी सारे मैनेज हो जाते हैं, काम भी डिवाइड हो जाता है और ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है सर पे। बट चार लोगों का साथ में जाना कहीं ना कहीं प्लान में थोड़ा सा डिले भी करवा सकता है, क्योंकि वीजा सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है इसमें। क्योंकि वीजा जरूरी नहीं आप चारों का एक साथ लग जाओ, हो सकता है तीन का एक साथ लग जाओ और एक के लिए आपको वापस से वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक आपको डेट देते हैं वीजा की, जैसे कि शेंगेन वीजा है तो उसमें अराउंड हमने जो अप्लाई किया था वो 84 डेज का किया था, बट हम लोग को जो मिला वो सिर्फ 30 दिन का मिला। तो अब 30 दिन के हिसाब से मेरे को मैनेज करना है। अब उस 30 दिन तक अगर सपोज मेरे किसी फ्रेंड का वीजा नहीं आया तो वापस से मेरे को रीअप्लाई करना पड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम मेरा लगेगा कि नहीं लगेगा वो भी नहीं पता। तो उस केस में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं ज्यादा लोगों में और कम लोगों में, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा भाई 3 से 4 लोग हों तो बेस्ट रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट भाई आपका आ जाता है रूट प्लानिंग, जिसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप दिल्ली से लंदन अगर बाय रोड जा रहे हो तो आप कौन सा रूट लेना चाहते हो, जो डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि बेसिकली आपको कौन कौन सी कंट्रीज कवर करनी है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप अपना रूट प्लान करोगे। और इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर रूट ही लेना है। अगर आप इंडिया से एग्जिट ले लेते हो, जो कि टोटल 4 एग्जिट्स हैं इंडिया से अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो दिल्ली टू लंदन, तो इंडिया से एग्जिट लेने के बाद आप उसके बाद कितनी भी कंट्रीज एक्सप्लोर कर सकते हो आपके ऊपर, आपके पास कितने दिन और आपका बजट कितना उसके बेसिस पर आप कितनी भी कंट्रीज एक्सप्लोर करते हुए भी यूके पहुंच सकते हो। सबसे पहला आ जाता है भाई जो कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, जो कि जाता है आपका पाकिस्तान से होते हुए, बट बहुत लोग पाकिस्तान प्रेफर नहीं करेंगे, इसी वजह से हमने भी प्रेफर नहीं किया, बहुत सारे रीजन है उसके पीछे। कुछ लोग ये भी कहते हैं एज एन इंडियन अगर आपके पासपोर्ट पे पाकिस्तानी वीजा का स्टैंप लग गया तो यूएस कनाडा और फिर शेंगेन वीजा और यूके वीजा में भी आप लोगों को बहुत दिक्कतें आ सकती है फ्यूचर में। एज एन इंडियन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी लोग नहीं जा सकते, पाकिस्तानी लोग एज एन पाकिस्तानी वो ऑब्वियसली लगवाते भी हैं और वो लोग वीजा लगवा के जाते भी उस कंट्री में, बट एज एन इंडियन मैं बोल रहा हूं कि दिक्कतें आ सकती है फ्यूचर में, इसलिए हम लोगों ने प्रेफर नहीं किया। और ऊपर से फैमिली भी अलाउ नहीं करती, क्योंकि अभी हम लोग की एज भी 24-25 है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट सेफ टू विजिट पाकिस्तान एट दिस एज। तो अगर हम लोग ये रूट चूज करते हैं तो दिल्ली से हम लोग सीधा पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाएंगे, इंडो पाक बॉर्डर बेसिकली, जो कि आपका वाघा बॉर्डर, और किसी भी बॉर्डर से हम लोग एग्जिट ले सकते हैं जहां से भी इंडियन गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी। और आफ्टर एंटरिंग पाकिस्तान हम लोग पूरा पाकिस्तान क्रॉस करते हुए पाकिस्तान एग्जिट करेंगे और एंटर करेंगे ईरान में, और ईरान के बाद हम लोग जाएंगे टर्की, टर्की से हम इस्तांबुल होते हुए एग्जिट कर जाएंगे और एंटर करेंगे यूरोप, और पूरा यूरोप कवर करते हुए जो कि अभी की हमारी आइटनरी उसी के हिसाब से वहां पर हमारा पूरा रूट सेम हो जाने वाला है, और पूरा यूरोप कवर करते हुए हम लोग पहुंचेंगे कैलिस पोर्ट जो कि हमारा फ्रांस में, और वहां से हम लोग फेरी लेके जाएंगे डोवर पोर्ट जो कि है यूके में, और उसके बाद हम लोग पूरा यूके एक्सप्लोर करेंगे। अब दूसरा रूट आपका आ जाता है अगर आप नेपाल से एग्जिट ले जाते हो। अगर आप लोग ये वाला रूट चूज करते हो तो आपको एंटर करना है नेपाल, नेपाल से आप लोग जाओगे चाइना, चाइना से किर्गिस्तान, फिर कजाकिस्तान होते हुए रशिया, रशिया के बाद आप एंटर करोगे यूरोप, और पूरा यूरोप कवर करते हुए आपको जितनी भी कंट्रीज घूमनी है बेसिकली आप जाओगे कैलिस पोर्ट जो कि है फ्रांस में, और वहां से वापस से आप लोग शिफ्ट कर सकते हो अपनी गाड़ी डोवर पोर्ट जो कि यूके में। अब आता है भाई तीसरा रूट जो कि बहुत लंबा रूट है बेसिकली, और सबसे पहले जब हमारी दिल्ली टू लंदन ट्रिप प्लान हुई थी तब हम लोगों ने यही रूट चूज करके पूरा किया था, और सही बताऊं तो ना असली फील इसी वाले रूट में, और सबसे पहले हमने यही सोचा था कि हम इसी रूट से जाने वाले हैं लंदन। बट जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन में, और चाइना के भी रूल्स में काफी चेंजेस आए थे बाय रोड अगर आप ट्रेवल करो, तो उस वजह से हम लोगों ने ये रूट चेंज करके हम लोगों ने फिर ये ईरान वाला रूट चूज किया जो कि लास्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वाले रूट के बारे में बात करूं तो आप सिंपली नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल करोगे इंडिया में, दिल्ली टू नॉर्थ ईस्ट बेसिकली म्यांमार जाओगे आप, म्यांमार से फिर एग्जिट लेके आप एंटर करोगे लाओस, अगर आप थाईलैंड भी कवर करना चाहते हो आप थाईलैंड भी कवर कर सकते, उसके बाद आप एंटर करोगे चाइना, आफ्टर चाइना यू विल एंटर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद अब रशिया एंटर करोगे, और वापस से यूरोप में एंटर कर जाओगे, और यूरोप की आपको जितनी कंट्रीज घूमनी है सारी कवर करके आप सीधा जाओगे फ्रांस के कैलिस पोर्ट, वहां से अपनी गाड़ी शिफ्ट करवा दोगे डोवर पोर्ट पे जो कि है यूके में। इस वाले रूट में सही बताऊं तो बहुत अच्छी फील थी, क्योंकि घर से जब हम लोग निकल रहे थे तो गाड़ी पे निकल रहे थे और हम लोग वापस कहीं पे भी शिफ्ट विप करके वापस नहीं आने वाले थे दिल्ली, अगर हम एक बार फ्लैग ऑफ करते तो फाइनली हम लोग निकल जाते और सीधा वापस आते 3-3.5 महीने बाद। और इस ट्रिप में हम कवर करने वाले थे 26,000 किलोमीटर से ज्यादा, तो सोच सकते हो कितना बड़ा ट्रिप होने वाला था। इस ट्रिप में हमारी मोर देन 30 कंट्रीज हो रही थी, तो शुरुआत तो इसी रूट से हुई थी बट फिर ये वाला आप कंटिन्यू नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, फ्यूचर में कभी आगे की कंट्रीज करनी होगी यूएस कनाडा वगैरह तब ये वाला रूट चूज करेंगे। अब आते हैं भाई चौथे और फाइनल रूट के ऊपर जो बेसिकली इस बार हम लोग चूज कर रहे हैं, जिसमें आप ड्राइव करोगे दिल्ली से मुंबई, मुंबई में आपका एक पोर्ट है NHAVA शेवा पोर्ट करके, जहां पर आप लोग अपनी गाड़ी शिपिंग के लिए दे दोगे, वहां से आपकी गाड़ी शिप होगी बंदर अब्बास पोर्ट पे जो कि आपका ईरान में। आफ्टर एंटरिंग ईरान आप लोग पूरा ईरान कवर करने वाले, और ईरान से एग्जिट लेके आप एंटर कर जाओगे टर्की में, हमारी कंडीशन में हम पूरा टर्की एक्सप्लोर करने वाले हैं, मतलब पूरा तो नहीं जितना मैक्सिमम से हो पाएगा 12-15 दिन उतना हम एक्सप्लोर करेंगे, हम सीधा सीधा ड्राइव नहीं करने वाले हैं इस पूरी ट्रिप पे। एक्सप्लोर करने के बाद टर्की से हम लोग सीधा निकल जाएंगे यूरोप बॉर्डर की तरफ, जहां पर हम एंटर करेंगे बल्गेरिया में, आफ्टर बल्गेरिया विल गो टू रोमानिया, रोमानिया से सर्बिया, फिर कोसोवो, फिर अल्बेनिया, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, फिर चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक से हम लोग जाएंगे जर्मनी, फिर बेल्जियम, फिर नीदरलैंड्स, लक्जमबर्ग जो कि फर्स्ट रिचेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, उसके बाद हम लोग जाएंगे लिंचेस्टीन, फिर स्विट्जरलैंड, आफ्टर स्विट्जरलैंड हम लोग जाएंगे फ्रांस, फिर फ्रांस में हम लोग पूरा कवर करके सीधा जाएंगे कैलिस पोर्ट, और वहां से अपनी गाड़ी हम लोग फाइनली शिप कर देंगे डोवर पोर्ट पे जो कि आपका यूके में, और डोवर पोर्ट से अपनी गाड़ी कलेक्ट
करके हम पूरा यूके कवर करने वाले हैं। और यूके का वीजा हमारे पास इनफ टाइम के लिए, तो यूके हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम स्कॉटलैंड भी घूम सकते हैं क्योंकि वो भी यूके का ही पार्ट है बेसिकली। पूरा यूके कवर करने के बाद हम लोग वापस से डोवर पोर्ट आएंगे यूके में, और वहां से अपनी गाड़ी वापस से शिफ्ट कर देंगे हम लोग मुंबई पोर्ट पे, जिसके लिए अराउंड अराउंड लगने वाला है एक महीना, और हम लोग फ्लाई करके वापस आ जाएंगे दिल्ली। तो ये था भाई रूट के ऊपर डिस्कशन। ये टोटल चार रूट है, आप इनमें से कोई सा भी चूज करते हो। हमने जो चूज किया वो आप लोगों को बता दिया, और क्यों चूज किया वो भी बता दिया। अब इसके ऊपर अब अगर आप कंट्रीज बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, अगर आप इंडिया से एग्जिट ले लो तो उसके बाद, और वो डिपेंड करता है आपको वीजा की वैलिडिटी और ड्यूरेशन कितने दिन का मिला है। अगले पॉइंट पे आते हैं भाई, जो कि है वीजा, जो कि आप कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इस पूरी सीरीज का, इस ट्रिप का, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो वीजा से रिलेटेड ही आते हैं। क्योंकि इस ट्रिप में अगर आप लंडन की ट्रिप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको यूरोप में से होते हुए जाना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको चाहिए शेंगेन वीजा, जो कि इतना ईजी नहीं होता, सब लोगों को पता है। शेंगेन वीजा और यूके वीजा दोनों ही वन ऑफ दी डिफिकल्ट वीजाज हैं इंडियंस के लिए, जिसको अप्लाई करने का प्रोसीजर भी बहुत लंबा होता है। डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली बहुत लंबी चौड़ी होती है। फाइनेंसिस आपके स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका कवरिंग लेटर अच्छा होना चाहिए, जो कि मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो वीजा से रिलेटेड जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें डिस्कस करूंगा मैं सारी चीजें। बट फिर भी ओवरव्यू आपको दे दूं तो इस ट्रिप के लिए आपको टोटल चाहिए चार वीजा। वैसे तो और भी रूट है जो मैंने रूट वाले पॉइंट में डिस्कस किया है, उसके लिए आपको अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग वीजा चाहिए, जो कि बहुत सारे वीजा हो जाते हैं अगर आप ऊपर रशिया वाला रूट चूज करते हो। बट हमारी कंडीशन में जो अगर मैं गाड़ी से बात करूं तो सिर्फ चार वीजा लगने वाले हैं, जो कि ईरान का वीजा, उसके बाद है टर्की वीजा, थर्ड इज शेंगेन वीजा, और लास्ट हमारा यूके वीजा। तो ये चार वीजा अगर आपके लग गए तो आप गुड टू गो हो अपनी लंडन ट्रिप के लिए। बट अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो मुझे दुबई और ओमान का वीजा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहां फ्लाई करने वाला हूं बेसिकली। तो मैं वो चीज मेंशन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि आप चाहो तो डायरेक्ट ईरान भी फ्लाई कर सकते हो, बट कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम डायरेक्ट ईरान फ्लाई नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज मैं होपफुली आगे किसी पॉइंट में डिस्कस कर ही दूंगा या मेंशन कर दूंगा, या क्या पता मैं रूट वाले में ऐड कर दूंगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कारनेट, या फिर आप कारने भी बोल सकते हो उसको। तो कारने या फिर कारनेट क्या होता है? बेसिकली कारनेट आपका होता है गाड़ी का वीजा या पासपोर्ट। तो बेसिकली फंडा क्या है कि अगर आपको अपनी खुद की गाड़ी आउट ऑफ इंडिया या फिर किसी भी कंट्री, मतलब मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कारने को ही अगर आप यूएस में कोई बंदा बैठा हो और अगर वो इंडिया इंपोर्ट करना चाहता है, यूएस का बंदा यूरोप में आना चाहता है, अपनी खुद की गाड़ी लेकर ड्राइव करना चाहता है वहां पे, तो आपको गाड़ी के लिए वीजा या पासपोर्ट जो भी आप कह सकते हो, ऐसा होता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कारने बोलते हैं उसको, कारने दी पैसेज करके होता है, जिसमें आप लोगों को डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमारी गाड़ी ये है, इसका गाड़ी का नंबर ये है, चेसी नंबर ये, ए टू जेड सारी आपको डायमेंशन देनी पड़ती है गाड़ी की, गाड़ी का वेट बताना पड़ता है, और जिसके बेसिस पर आपका कारनेट आता है। और अगर आप इंडिया से और अपनी गाड़ी बाहर लेके जाना चाहते हो खुद की गाड़ी, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को कारनेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा WIAA के पास, जिसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। उसके पास बेसिकली आप लोगों को अपनी गाड़ी का, मतलब दो तीन सिनेरियो होते हैं, ज्यादा बात मैं कारनेट की करूंगा नहीं इस वीडियो में, क्योंकि कारनेट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि कारनेट के ऊपर सीरियसली यूट्यूब पे कोई वीडियो है ही नहीं, तो सबको पता ही नहीं है भाई कारनेट होता क्या, अप्लाई कैसे करते हैं, क्या होता है, या फिर कब उसको आप सरेंडर करके अपना सिक्योरिटी अमाउंट वापस ले सकते हो। तो बहुत सारे पॉइंट है, मैं अलग से डिस्कस करूंगा, और कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है नहीं, डॉक्यूमेंटेशन का भी कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं। अगर आपकी खुद की गाड़ी, आपके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स हो, तो आपको इजीली कारनेट मिल जाएगा अपनी गाड़ी का। तो सारा प्रोसीजर और जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है WIAA का, वो सारा मैं कारनेट वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां के थ्रू आप लोग जा सकते हो और देख सकते हो भाई कि कैसे आप लोग अपनी गाड़ी का कारनेट ले सकते हो। तो अगला पॉइंट आता है भाई शिपिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पूरा ट्रिप बाय रोड वाला चूज नहीं कर रहे हो, जैसा कि हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि रशिया में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग ऊपर वाला रूट नहीं ले सकते, वरना इस ट्रिप की जो प्लानिंग शुरू हुई थी वो ऊपर वाले रूट से शुरू हुई थी, जो कि अपना थाईलैंड, चाइना और फिर रशिया से होते हुए पूरा यूरोप में एंटर करेंगे एस्टोनिया के थ्रू। तो वो वाला रूट हम लोग चूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस केस में हम लोगों को कोई गाड़ी शिप ही नहीं करनी पड़ती, बट वापसी में लंदन से इंडिया तो आपको गाड़ी लेके ही आनी पड़ेगी किसी भी सिनेरियो में, तो उसके लिए भी शिपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि भाई शिपिंग के लिए आप किसी भी एक शिपिंग एजेंसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शिपिंग की जो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि मेरा खुद का फ्रेंड है तो उसकी खुद की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी है, तो अगर आप लोगों को करवाना हो भाई तो ट्रस्टवर्दी बंदा है, हम लोग भी उसी से करवा रहे हैं, आप भी करवा सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला। बाकी अगर आपका खुद के कोई नॉन में या फिर आप किसी और से करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। तो अब आते हैं भाई फाइनेंस मैनेजमेंट पे। तो आप लोग अगर इस ट्रिप पे जाते हो या फिर किसी भी ट्रिप पे जाते हो बेसिकली, अगर मैं बात करूं, मतलब जरूर नहीं आप बाय रोड ही जा रहे हो, तो मैं चलो एक काम करते हैं मर्ज करके ही बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि गाड़ी से जाना और नॉर्मल जाने में आप फाइनेंस तो दोनों चीजों में कार्ड से पे करोगे या कैश में पे करोगे, तो मैं इन जनरल ये टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो इसमें रोल आ जाता है भाई आपका इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड का, जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मैं अपना पर्सनल प्रेफरेंस बताऊं तो मैं दो कार्ड यूज करने वाला हूं इस ट्रिप पे खासकर, जो कि आपके होने वाले SBM बैंक के थ्रू जो हमें मिलता है न्यू ग्लोबल का कार्ड, और दूसरा आपका फेडरल बैंक के थ्रू जो आपको मिलता है FI का कार्ड, क्योंकि इनमें जो कन्वर्जन रेट होता है वो एकदम नॉमिनल रहता है, जो आप उस कंट्री में आपको मिलेगा वही रहता है, और फालतू के एक्स्ट्रा चार्जेस ज्यादा कटते नहीं है। अगर आप लोगों को भी ऐसा कोई इंटरनेशनल कार्ड चाहिए, अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हो या फिर आप बाय रोड जा रहे हो कैसे भी, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इन्हीं दोनों में से कोई कार्ड लो, या तो न्यू ग्लोबल या तो फिर फेडरल बैंक है FI कार्ड, जिसकी एप्लीकेशन आप इजिली प्ले स्टोर से ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इजिली KYC अपनी कंप्लीट करके और अपना कार्ड ऑर्डर कर सकते हो। और कार्ड ऑर्डर करने से पहले आपको इसमें नॉमिनल अमाउंट डालना पड़ेगा, जो कि मिनिमम 5,000 रुपीज है, बाद में उसको आप वापस अपने अकाउंट में ले सकते हो जब आप कार्ड ऑर्डर कर दोगे। तो अब अगर फाइनेंस और कार्ड की बात हुई
मेरी है, तो मैं थोड़ा सा इस ट्रिप के बारे में बता देता हूँ कि अनमोल और मैंने जो डिस्कस किया है कि हम लोगों को फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, तो हम दो ही लोग हैं तो बहुत लंबी ट्रिप होने वाली है, तो हमारे पास हमेशा कैश होगा ही होगा ये भी नहीं पता, और ना ही हमें ये पता है कि कहीं पर कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा, या तो हमने यही सोचा कि हम हमेशा अपने पास कैश रखेंगे रखेंगे, बट इन टोटल हम लोग 4 से 5 कार्ड लेके जा रहे हैं और अलग अलग कंपनीज का, क्योंकि अगर कोई कार्ड नहीं चलता तो दूसरा काम आ जाए। मैं अभी आपको ये सजेस्ट करूंगा कभी भी 1 या 2 कार्ड पर आप लोग डिपेंडेंट मत रहना अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो। एक अपना इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड जरूर लेके जाना, अगर आपको कोई कार्ड नहीं चल रहा है तो आपका इंडियन जो क्रेडिट कार्ड है वो तो एटलीस्ट चले चले, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा SBI बैंक का, क्योंकि SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड आपको आउट ऑफ इंडिया सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं, और उसके अलावा आप लोग न्यू ग्लोबल या फिर FI कार्ड कर सकते हो, मैं आपको बता ही चुका हूं। तो हम लोग भी इस ट्रिप पे क्या करने वाले हैं कि फ्यूल का जो कार्ड होगा वो अलग होगा, होटल बुकिंग के लिए हम लोग एक अलग कार्ड यूज करने वाले हैं, और अपने खाने पीने के लिए अलग कार्ड यूज करने वाले हैं, होटल बुकिंग के लिए अलग कार्ड यूज करने वाले हैं, सो दैट हमारे एक्सपेंसिस मैनेज के साथ साथ हम लोगों को इन टोटल पता रहे कि भाई अगर हम लोगों ने पर डे अगर 5,000 रुपए का खर्चा जोड़ा है कि भाई होटल में हम लोग 5,000 से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, तो वो 5,000 कभी 2,000 भी हो सकता है और कभी कभी वो 10,000 भी जाएगा, तो इन टोटल हम मैनेज कर सकते हैं कि हमें इससे ज्यादा अपने होटल बुकिंग्स पे खर्च नहीं करना है 3 महीने। तो यही एक रीजन है अलग अलग कार्ड यूज करने का, सो दैट एट द एंड ऑफ द ट्रिप हमें पता रहे कि हमने किस चीज में कितना खर्चा किया है और हम अपना एक टोटल एक्सपेंस स्ट्रक्चर बना सके कि भाई टोटल हमारा इतना खर्चा हुआ दिल्ली से लंदन रोड ट्रिप पर। अगला आता है भाई आपका सिम कार्ड। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री फ्लाई कर रहे हो तो आप इजीली उस कंट्री के एयरपोर्ट पे जाके वहां का सिम कार्ड खरीद सकते हो, 7-8 या फिर 10-15 जितने भी दिन आप वहां पर रहने वाले हो, बट हमारी कंडीशन में हम लोग 3 महीने आउट ऑफ इंडिया रहने वाले और इन 3 महीने में हम लोग 23-24 कंट्रीज कवर करने वाले हैं, जिसके लिए अब हमें हर एक कंट्री में अलग से सिम कार्ड लेना पड़ेगा, और प्लस में यूरोप जैसी कंट्री जहां पर आप 1-1 घंटे में कंट्री क्रॉस कर लेते हो, तो 1 घंटे के लिए सिर्फ हम एक सिम कार्ड लें तो वो चीज वर्थ नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा है एयरटेल का एक कोई प्लान है जिसमें 11 या 12 हजार रुपए में इंटरनेशनल रोमिंग एकदम फ्री हो जाती है, उसके अलावा जो बड़ी कंट्रीज है जहां पर हम 10 से 12 दिन रुकने वाले हैं उन कंट्रीज में हम लोग वहां के सिम कार्ड ले लेंगे, बट यूरोप में जो छोटी छोटी कंट्रीज है वहां पर हम लोग सिम कार्ड नहीं लेंगे और अपना जो इंडियन सिम कार्ड है उसी को यूज करेंगे इंटरनेशनल रोमिंग पैक डलवा के। अब सारे पॉइंट कवर होने के बाद अपना लास्ट पॉइंट आता है भाई मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जिसका मतलब सिंपली है कि इस पूरी ट्रिप पे जितना भी पैसा लगने वाला है वो आप कैसे मैनेज करोगे, कितना पैसा शुरुआत में लग जाता है, कितना पैसा ऑन द गो लगता है, कितना पैसा आपका ट्रिप के बीच में लगता है और कितना पैसा आपका ट्रिप के बाद लगता है। तो अगर मैं पर पर्सन का एक्सपेंस बताऊं आपको इस ट्रिप के लिए दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप के लिए, तो वो वेरी करता है कि आप कितने लोग इस ट्रिप पर जा रहे हो, क्योंकि उससे आपका खर्चा बढ़ जाता है, जैसे कि आपका कार नेट का खर्चा हो गया, आपका फ्यूल का खर्चा हो गया, आपका शिपिंग कॉस्ट आ गया, वो सारी चीजें आप चारों लोगों में डिवाइड होगी, अगर वहीं आप 2 लोग जा रहे हो तो वो सारी चीजें सिर्फ 2 लोगों में डिवाइड होगी, तो आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है जो कि ज्यादा से ज्यादा आपका 1.5-2 लाख रुपए पर पर्सन ऊपर पड़ जाता है। बाकी जो आपका खाना पीना है, वीजा है, फ्लाइट्स हैं और होटल बुकिंग्स है, उसमें तो ऑब्वियसली आपको 2 लोगों के हिसाब से पे करना, उसमें 4 लोगों और 2 लोगों में कोई डिफरेंस आता नहीं है, इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि अगर 4 लोग जाओगे तो वहां पे आपके फाइनेंस भी मैनेज हो जाएगा। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करूं थोड़ा सा, तो सबसे पहला जो आपका स्टार्टिंग में खर्चा लगता है वो आपका ऑब्वियसली वीजा का खर्चा होता है, क्योंकि जब आपका वीजा लग जाएगा उसके बाद ही आप सारी चीजें प्लान करना शुरू करोगे, क्योंकि वीजा लगने से पहले मेरे हिसाब से जितनी भी प्लानिंग करोगे वो वर्थ नहीं है, क्योंकि काफी सारी चीजों में चेंजेस आ जाते हैं टाइम के साथ साथ। तो बस मैं यही बोलूंगा अगर आपने रूट प्लानिंग अपनी कर ली है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो वीजा सेकंड प्रोसेस है। तो सबसे पहला खर्चा आपका वीजा का आ गया, जिसमें हर कंट्री की वीजा फीस अलग होती है, तो वीजा का खर्चा अगर आप मान लेते हो 70-80 हजार या 1 लाख के करीब, मिसलेनियस हर जगह लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वीजा अगर रिजेक्ट होता है तो आपको वापस से वीजा अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए वापस से आपको वीजा फी देनी पड़ेगी। सेकंड खर्चा आपका कारनेट का आ जाता है, कारनेट का जितना भी खर्चा वो मैं उसके लिए जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं मेंशन करूंगा, बट यहां पर मैं ओवरऑल आपको बता देता हूं कहीं ना कहीं 6.5-7 लाख रुपए का खर्चा आता है, क्योंकि आपका 1 लाख रुपए प्लस GST आपकी कारनेट की फीस होती है, प्लस में जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है 5-6 लाख रुपए होता है, तो कहीं ना कहीं वो वेरी करेगा गाड़ी के हिसाब से कि आप गाड़ी कौन सी लेके जा रहे हो। बाकी ट्रिप शुरू करने से पहले आपको शिपिंग का थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जैसे मुंबई से अपनी गाड़ी शिप कर रहे हैं ईरान, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको ट्रिप शुरू करने से पहले ही पे करना पड़ेगा अपना टोकन नंबर या फिर वेसल की बुकिंग कराने के लिए, तो वो खर्चा आपका पहले पड़ जाता है। बाकी का जो आपका होटल का एक्सपेंस आता है या फिर खाने का एक्सपेंस आता है, फ्यूल एक्सपेंस आता है, ये सारी चीजें आप ऑन द वे जब आप ट्रिप पर होगे तो वहीं पर सारा खर्चा होता है, तो इसके लिए आपको पहले से पैसे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, तो वहां थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है पैसे खर्च करने के मामले में। और एक छोटी सी चीज मैं मेंशन करना भूल गया, आपको हर कंट्री का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जैसे कि आपकी अगर शेंगेन वीजा है तो आपका यूरोपियन कंट्रीज पहले ही बोलते हैं कि आने से पहले आप लोगों को एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा अपना, अगर कोई मिसहैपनिंग होती है आपके साथ या फिर आपकी तबियत खराब होती है या आपको किसी भी रीजन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, तो वहां के हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसका खर्चा आप कैसे उठाओगे, इसीलिए सारी कंट्रीज बोलते हैं कि भाई इंश्योरेंस करवा के आओ। तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ऑल ओवर द ग्लोब आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती हैं बहुत सारी कंपनियां, जैसे कि आपका बजाज फाइनेंस हो गया और बहुत सारी कंपनियां, ICICI लंबार्ड भी है, तो अलग टाइप के बेसिकली आपको इंश्योरेंस मिलते हैं, जिसमें एक होता है आपका इंक्लूडिंग US एंड कैनेडा और दूसरा आपका जाता है एक्सक्लूडिंग US कैनेडा। मतलब मैं तो ये बोलूंगा अगर आप US कैनेडा नहीं जा रहे हो तो आप एक्सक्लूडिंग US कैनेडा वाला लो, तो वो थोड़ा आपको बजट फ्रेंडली पड़ जाता है, जो कि आपका अराउंड 5-6 हजार रुपए खर्चा आता है बस, जिसमें आपका जो कवरेज मिलता है अराउंड 1.5 लाख USD के अराउंड मिलता है, तो मेरे हिसाब से उतना ठीक है, उससे आपको चाहिए भी नहीं। और
चलो भाई सारी चीजें मैंने शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से समझा दी है। जितने भी पॉइंट्स इस पूरी वीडियो में डिस्कस किए गए हैं हर एक पॉइंट पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ आगे, तो चैनल को फॉलो कर लो फटाफट क्योंकि सीरीज आज से शुरू हो गई है भाई। और अब ऑल्टरनेट डेज जब तक हम लोग ट्रिप पे निकलते नहीं तब तक सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आने वाली है, और जब हम ट्रिप पे निकल जाएंगे तो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ बढ़िया वीडियोज भी आएंगी। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।